रायबरेली से है, जहां दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बता दें कि दबंगों ने स्कूली छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, साथ ही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजू, ये मामला कब का है, कोई एक्शन हुआ है क्या? बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के स्थित जो है गोपाल इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां के बच्चों के साथ में आसानी दबंगों के द्वारा उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। और साफ तौर पर बच्चों का जो आरोप है कि उनके स्तर पे अवैध असलहे के बट से प्रहार किया गया है, तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है। और रायबरेली पुलिस की बात करें तो रायबरेली पुलिस के लिए एक फजीहत सामने खड़ी हो रही है आए दिन कि ऐसे दबंगई के कई कारनामे सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से शासन की मंशा है कि अपराधियों और दबंगों पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन रायबरेली पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही, और आए दिन दबंगई के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष है, और कहीं ना कहीं गोपाल इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बच्चों के द्वारा लिखित तौर रूप में तहरीर थाने में दी गई है, और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि FIR पंजीकृत कर ली गई है, और जल्द ही दबंगों को जो आरोपी है उनको हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह का ये मामला सामने आया है कि वो दबंग जो है इतने सरहंग है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अवैध असलहे के बट से बच्चों के सर पे प्रहार किया गया है, उनको काफी गंभीर चोटें आई, तो कहीं ना कहीं ऐसे में रायबरेली पुलिस की जो बात है, रायबरेली पुलिस लगातार सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। कार्रवाई कोई देखने को मिली है या हुई है, कोई एक्शन लिया गया है क्या? बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से रायबरेली पुलिस का अभी तक कहना है कि FIR पंजीकृत की गई है, और जो वीडियो है वीडियो के आधार पे जो आरोपी है उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है रायबरेली में बदहाल नजर आ रही है, कोई एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है जिस तरीके से अपराधों पे लगाम लग सके और जो अपराधी है उसमें खौफ देखने को क्या कोई मिल रहा है पुलिस का, क्योंकि ये तस्वीरें तो साफ तौर पे नकारती है उस बात को। बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रीतदर्शी लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार से कदम उठा रहे हैं और अपने मातहतों को लगातार उनके द्वारा हिदायत दी जा रही है, लेकिन देखा जा सकता है कि रायबरेली जिले की जो पुलिसिंग व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त है, और दबंग और अपराधियों के जहन में कहीं ना कहीं पुलिस का कोई खौफ नहीं है, और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आए जहां सरेआम दबंगई के और ऐसे मामले कई सामने आए हैं जहां पर पुलिस लगातार रायबरेली पुलिस सवालों के घेरे में रही है। जी ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।